हलवा बनाने के लिए लगभग 50 ग्राम घी मैंने एक कढ़ाई में गर्म कर लिया है। आप घी जो है कम ज्यादा ले सकते हैं, खाली हमें फ्राई करना है। आइए, घी जो है हल्का गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें ये 100 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया है, काजू बादाम और रेजिन्स किशमिश जो है। अब हम इसको अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक ही उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। 1.5 मिनट तक जो है हमारा ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किया था हो चुका है फ्राई, एक प्लेट में निकाल लेंगे। आइए, अब उसी कढ़ाई में जो है घी को हमने गर्म ही रखा है, अब घी की जगह तेल भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेड्स को हम फ्राई कर लेते हैं, धीरे धीरे करके इसको फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से, इस तरह से हमें जो है ब्रेड को फ्राई कर लेना है। तो अभी और 1 से 2 मिनट तक उसको और फ्राई करेंगे, एक साइड रेडी हो चुकी है, दूसरी साइड भी हम फ्राई कर लेंगे पलटी करके। आइए, इस तरह से हमने ब्रेड को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, थोड़ा हल्का टोस्ट कर लिया है। अब बाकी का जो ब्रेड हमारा बचा है वो भी सेम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आइए, तो ये जो है पूरा ब्रेड हमने फ्राई कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। अभी आइए, अभी कढ़ाई में लगभग ये 600 ग्राम जो है 600 ml दूध हम डाल देंगे और इसको हल्का गर्म होने तक और कुक करेंगे। भैया, 3-4 मिनट के बाद इसमें 200 ग्राम जो है हम ये शुगर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, मिनिमम 150 ग्राम जो है 150 ग्राम आप डाल सकते हैं इस पर, क्वांटिटी के हिसाब से हम यहाँ शुगर डालेंगे। और इसको ये हल्का सा उबल आना शुरू हो गया है, तो अभी 1 टीस्पून के आसपास ये कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और अभी और एक उबाल आने तक हम उसको कुक करेंगे। आइए, दूध को उबलते हुए लगभग 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिया था पहले फ्राई कर लिया था आधा, अभी ये भी इसमें हम डाल देंगे। आइए, ड्राई फ्रूट डालते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमने जो ब्रेड्स को जो फ्राई किया था